हेड ही डालो, अपर हैंड लोअर रीमान इंटीग्रल। कल समझा दिए थे कि अपर रीमान इंटीग्रल और लोअर रीमान इंटीग्रल में, लोअर की अगर बात करेंगे तो आपने जितने एलटीएफ निकाले हुए हैं हर पार्टीशन के लिए उनका क्या चुना जाएगा, सुप्रीमम। और जितने यूपीएफ निकाले हैं उसका क्या चुनेंगे, सुप्रीमम। जो आप सुप्रीमम चुन रहे हो लोअर सम का, वो आपका लोअर इंटीग्रल होगा रीमान का, और जो आप इंफीमा चुन रहे हो अपर सम का, वो आपका क्या कहलाएगा, रीमान अपर इंटीग्रल। लिखना चालू करो, देखो, फॉर अ बाउंडेड फंक्शन एफ ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, फॉर अ बाउंडेड फंक्शन एफ ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड फॉर ऑल कैपिटल पी बिलोंग टू द फैमिली ऑफ पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। शॉर्ट में लिख रहे हैं, समझ तो जाओगे ना, पूरा नहीं लिख रहे हैं कि कैपिटल पी विद अ पार्टीशन बिलोंग टू द फैमिली ऑफ पार्टीशन। हम ये जानते हैं कि अगर मेरा फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी पर कैसा है, बाउंडेड है, और इसके साथ ही साथ कैपिटल पी कोई पार्टीशन है जो क्लोज इंटरवल ए बी के पार्टीशन फैमिली से जाकर के बिलोंग करता है, तो उसके लिए हमारे पास एक रिक्वेस्टी है, स्मॉल एम इंटू b minus a is less than or equal to their box का lower sum is less than or equal to their box का upper sum and this less than or equal to capital M into b minus a। लिखा जा सकता है, नोट करो, जहां स्मॉल m और कैपिटल m कौन है उसकी बात कर लेते हैं। वेयर, जहां पर स्मॉल एम इज इक्वल टू इनफीमा ऑफ आवर फंक्शन स्मॉल एफ एंड कैपिटल एम इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ आवर फंक्शन एफ, कहां पर, ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर फंक्शन एफ के लिए इनफीमम स्मॉल एम माना जाएगा और सुप्रीमम क्या माना गया है, कैपिटल एम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, दस फॉर ऑल पार्टीशन कैपिटल पी बिलोंग टू द फैमिली ऑफ पार्टीशन। इसलिए अगर आप क्लोज इंटरवल ए बी का कोई भी पार्टीशन चुनते हो, लिखो ये, समझोगे जो इसका एक्चुअल मतलब है, फॉर ऑल पी बिलोंग टू द फैमिली ऑफ पार्टीशन, यानी आप क्लोज इंटरवल ए बी का कोई भी पार्टीशन चुनते हो उसके लिए आपको दो बात हमेशा मिलेगी। पहली बात सुनना, LPF less than or equal to capital M into B minus A, LPF यानी डर बॉक्स का लोअर सम less than or equal to capital M into B minus A, पहली बात। दूसरी बात, डर बॉक्स का अपर सम UPF greater than or equal to small M into B minus A, तो UPF is greater than or equal to स्मॉल एम इंटू बी माइनस ए। लिखा जा सकता है, नोट करो, ये बताओ, एक थ्योरम पढ़ो, सोच करके जवाब देना। हो जाए तो थ्योरम बोलेंगे, जवाब तुमको देना पड़ेगा। ये बताओ, अगर कोई सेट बाउंडेड है, अगर कोई सेट बाउंडेड है तो आप किस बात की गारंटी दे सकते हो, क्या अगर कोई सेट बाउंडेड है तो उस सेट का सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, आया ना। सुप्रीमम का दूसरा नाम क्या है, लीस्ट अपर बाउंड। तो अगर कोई सेट बाउंडेड है तो निश्चित तौर पर उस दिए गए सेट का सुप्रीमम यानी लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, हाँ या ना। अगर कोई सेट लोअर बाउंडेड है तो उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी उसका इनफीमम एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है, अब गौर करना इन्हीं दोनों बातों को उसी आधार पर लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हमने यहाँ पर क्या लिखा, हमने लिखा जो डर बॉक्स का लोअर सम है
वो हर लोअर सम, आप चाहे जो भी उठा लो, यहाँ क्या लिखा है, दस फॉर ऑल पार्टीशन पी ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, आप क्लोज इंटरवल ए बी का कोई भी पार्टीशन लोगे उसके लिए बनने वाला हर लोअर सम लेस देन आर इक्वल टू होगा कैपिटल वन टू बी माइनस ए। यानी अगर मैंने पार्टीशन पी वन लिया, समझना, अगर मैंने पार्टीशन पी वन लिया तो मुझको मिलेगा डरबॉक्स का लोअर सम एल पी वन एफ, आया ना, लेकिन ये भी लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल एम इनटू कितना होगा बी माइनस ए। अगर हम पार्टीशन P2 लेते हैं तो क्या मिलता है, डरबॉक्स का लोअर सम फॉर द पार्टीशन P2, एल पी टू है, लेकिन ये भी लेस देन आर इक्वल टू कितना होगा कैपिटल M इनटू बी माइनस ए। इन जनरल कहें अगर हम पार्टीशन लेते हैं पी आई तो डरबॉक्स का लोअर सम फॉर पार्टीशन पी आई एल पी आई का लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल M इनटू बी माइनस ए। सही या गलत, सहमत हो? अब सारे लोअर सम जितने आपने बनाए अलग अलग पार्टीशन के लिए आप सबको इकट्ठा कर लो, तो मैंने सबको इकट्ठा किया तो सेट आया एल पी वन एफ, दूसरा कौन एल पी टू एफ, अगला मेंबर कौन एल पी थ्री एफ, इस तरीके से मेरे को बहुत सारे मेंबर मिल गए। लेकिन मुझको पता है ये दिया गया सेट जो निकल कर के आ रहा है ये सेट बाउंडेड एबव है, और इस पूरे सेट का अपर बाउंड कौन है, इस पूरे सेट का अपर बाउंड कैपिटल एम इंटू बी माइनस ए। हाँ, और कहा जाए अगर कोई सेट बाउंडेड एबव है तो निश्चित तौर पर इसका लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, हाँ या ना, सहमत हो? यानी दियर एग्जिस्ट लीस्ट अपर बाउंड फॉर किसके लिए, कलेक्शन ऑफ आल एल पी एफ, जहां पर ये पी बिलोंग करता है फैमिली ऑफ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल। क्या ये लिखा गया सेट यही है कि नहीं है, यही है, और आप कह रहे हो कि ये सेट कैसा है, अपर बाउंडेड है, अगर ये अपर बाउंडेड तो निश्चित तौर पर इस सेट का लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। अब गौर करो इसका अपर बाउंड हम रहे हैं एम इंटू बी माइनस ए, सारे अपर बाउंड में जो सबसे छोटा होगा वो इस सेट के मेंबर में बड़ा होगा, आया ना, तो उस सेट के लिए कौन होगा सुप्रीमम, लेकिन इनके तरफ से कौन होगा लीस्ट अपर बाउंड होगा, तो इसका हम क्या तलाश करने चल रहे हैं सुप्रीमम। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर, यही बात हम लिखना चाहते हैं, समझ आई बात सबको? इसके बाद लाइन दिस इंप्लाइज दैट, दिस इंप्लाइज दैट कलेक्शन ऑफ आल लोअर सम, आल लोअर सम, कलेक्शन ऑफ आल लोअर सम, जितने भी आपके डरबॉक्स के लोअर सम आ रहे हैं, कलेक्शन ऑफ आल लोअर सम दैट इज, अर्थात कलेक्शन एलपीएफ, जहां पर ये जो आपका पार्टीशन पी है ये कहां से बिलोंग करता है, फैमिली ऑफ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी से, ठीक, ये आपका कैसा होगा इज बाउंडेड एबव, इज बाउंडेड एबव, ये आपका लोअर सम का पूरा कलेक्शन कैसा होगा बाउंडेड एबव होगा, किसके द्वारा बाउंडेड एबव होगा, बाउंडेड एबव बाई कैपिटल एम इंटू बी माइनस ए, इट इज बाउंडेड एबव बाई कैपिटल एम इंटू बी माइनस ए, ठीक, सो मस्ट हैव लीस्ट अपर बाउंड, आगे बढ़ाना, सो दिस सेट, सो दिस सेट मस्ट हैव, हर हाल में रखेगा, मस्ट हैव लीस्ट अपर बाउंड, एल यू बी लिखो, दिस सेट मस्ट हैव लीस्ट अपर बाउंड, दैट इज, अर्थात दूसरा नाम लिखे जो सेट के लिए, ये समझना यही आपका सेट है, ठीक है, ये आपका सेट है, इस सेट का अपर बाउंड है, अगला अपर बाउंड है, अगला अपर बाउंड, बहुत सारे अपर बाउंड है, उन सारे अपर बाउंड में जो सबसे छोटा होगा वो है तो अपर बाउंड ना, तो सेट के लिए अपर बाउंड है, लेकिन उस सारे अपर बाउंड की भीड़ में कैसा है, सबसे छोटा है, तो वो सेट के लिए तो सुप्रीमा होगा, लेकिन अपर बाउंड की भीड़ से क्या होगा, लीस्ट अपर बाउंड होगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा वो पहला वाला चैप्टर याद करें, अगर हम सेट लिख रहे हैं वन टू थ्री फोर फाइव, ये मेरे सेट, ठीक है, तो ये बताओ इस सेट का अपर बाउंड कौन है, अपर बाउंड पांच है, क्योंकि वन लेस देन कितना फाइव,
टू लेस देन कितना 5, थ्री लेस देन 5, फोर लेस देन 5, 5 आल्सो इक्वल टू 5, यानी 5 नेवर क्रॉस 5, 5 5 को पार तो नहीं कर सकता, सेट का एक भी मेंबर 5 को पार करके आगे नहीं बढ़ता, आए ना, तो 5 आपका क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया, क्लियर है। अगर सेट के मेंबर 5 के आगे नहीं बढ़ रहे तो क्या वो 6 के आगे बढ़ेंगे, क्या वो 7 के आगे बढ़ेंगे, क्या वो 8 के आगे बढ़ेंगे, यानी वो 5 से बड़ी किसी संख्या से आगे नहीं बढ़ेंगे, यानी हर मेंबर उनके लिए अपर बाउंड होगा। हाँ, तो सारे अपर बाउंड का कंडीशन ऑफ क्लोज इंटरवल 5 से लेकर के कहां तक, यहां जितने लोग बैठे हैं वो सारे इस सेट के मेंबर से या तो बड़े हैं या तो बराबर हैं, यानी यहां बैठा हर मेंबर इस सेट के लिए किसका काम करेगा, अपर बाउंड का। लेकिन सोचो इन सारे अपर बाउंड में सबसे छोटा बाउंड 5, तो 5 को हम लोग कहेंगे लीस्ट अपर बाउंड ऑफ आवर सेट, है तो ये अपर बाउंड का हिस्सा, लेकिन उन सारे अपर बाउंड में ये सबसे छोटा, इसलिए लीस्ट अपर बाउंड। क्लियर है कि नहीं? आप सुनो, आप इसको क्या कहते हैं, LPF जो आपका निकल कर क्या रहा है, कलेक्शन ऑफ ऑल LPF, ये आपका कैसा है, बाउंडेड एबव। अगर ये बाउंडेड एबव है तो इसके एक दो बाउंड नहीं होंगे, इसके इनफाइनाइटली मैनी अपर बाउंड होंगे, और जिसके इनफाइनाइटली मैनी अपर बाउंड होंगे उन सारे अपर बाउंड की भीड़ में से मुझको चुनना केवल किसको है, सबसे छोटे वाले अपर बाउंड को, क्या वो भी एग्जिस्ट करेगा, ये तो थ्योरम होती है। तो इसका मतलब इस दिए गए सेट का अपर बाउंड होता है कैपिटल M * B - A, तो इसका कम से कम एक लीस्ट अपर बाउंड आएगा ही आएगा, एक से ज्यादा LPF नहीं होते, उल्टा भी एक से ज्यादा लीस्ट अपर बाउंड नहीं होते, लीस्ट अपर बाउंड हमेशा कैसा होता है, यूनिक होता है, तो इसके सेट के पास भी अपना लीस्ट अपर बाउंड होगा। क्लियर है ये बातें, लिखना इस चीज लिखना, दैट इज सुप्रीमम ऑफ LPF, supremum of LPF जहाँ पर P belong करता है family of partition of closed interval AB must exist। हाँ, supremum set के पास हो या ना हो इसकी guarantee नहीं है, वो set के पास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो supremum of LPF must exist, इसका supremum exist करेगा। हाँ, कौन सा भाई, सुप्रीमम सेट के अंदर हो ये कोई जरूरी नहीं है, सेट का सुप्रीमा सेट के पास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों बात में हम अभी इस क्लास में पढ़ा रहे तब इस क्लास के सुप्रीम होंगे, लेकिन हम क्लास के बाहर चले गए तो भी क्या खत्म हो गए, तब भी तो हम सुप्रीमम बने रहेंगे। क्लोज इंटरवल 2 से लेकर के 5 ओपन, आज 5 सेट के पास नहीं लेकिन 5 सेट का सुप्रीमम है, क्योंकि 5 अपर बाउंड है, 6 अपर बाउंड है, 7, 5 से बड़ा हर नंबर अपर बाउंड है, लेकिन सब में सबसे छोटा 5, लेकिन ये सेट के पास तो सुप्रीमा सेट का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों बातें। अब ये बातें तो हो गई, सुनो सब लोग लिख चुके हो, कुछ इधर का मिला रहे हैं, अगला काम सुनो, फिर अगली बार ध्यान देना, ये बताओ यहाँ क्या कहते हैं, UPF greater than or equal to M into B minus A, हम इसको थोड़ा सुधार करके लिखते हैं, ये लिखा गया है UPF यानी डरबॉक्स का अपर सम greater than or equal to small M into B minus A, तय हो चुका है कि आप कोई भी पार्टीशन कैपिटल P उठाओ, उस पार्टीशन P के लिए जो भी आपको डरबॉक्स का अपर सम मिलेगा वो तो स्मॉल m into b minus a से बड़ा होगा या तो इसके बराबर, इससे नीचे नहीं जा सकता, और जब कोई चीज पर्टिकुलर एक नंबर के नीचे नहीं जा सकती तो वो लोअर बाउंडेड हो गई कि नहीं हो गई, लोअर बाउंडेड हो गई, और कोई अगर लोअर बाउंडेड है तो उसके कितने लोअर बाउंड होंगे, इनफाइनाइट लोअर बाउंड, उन इनफाइनाइट लोअर बाउंड की भीड़ में एक लोअर बाउंड सबसे बड़ा होगा, एक लोअर बाउंड सबसे बड़ा होगा, लेकिन सोचो ये भीड़ किसकी है, लोअर बाउंड्स की भीड़ है, यहाँ जितने लोग हैं इधर हमने बैठा दिया किसको, यूपीएफ को, डरबॉक्स का पर्सन, और इधर इसके लोअर बाउंड है, यहाँ जितने लोग, ये जितनी लाइनें हैं, ये हर लाइन कैसी है, लोअर बाउंड, लेकिन रियल नंबर की लाइन पर इधर चलोगे तो घटोगे और इधर चलोगे तो बढ़ोगे, क्या एक लोअर बाउंड इन सब में सबसे बड़ा होगा कि नहीं होगा, इसका मतलब जो यूपीएफ है उसके लिए क्या तलाश करोगे, यूपीएफ के लिए क्या तलाश करोगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यूपीएफ के रिस्पेक्ट में इसका नाम क्या होगा, इनफिमम ऑफ, क्लियर हुआ,
जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है उसी का दूसरा नाम क्या होता है? इनफीमम होता है। क्लियर हुआ? लिख रहे इसी बात को। इसीलिए पहला चैप्टर एक्सियोमेटिक स्टडी ऑफ रियल नंबर और पॉइंट चेक टोपोलॉजी बहुत जरूरी चैप्टर है। आप बिना उन चैप्टर को पढ़े इसकी समझ नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ तो आप सीधे पहले चैप्टर के आधार पर खेल रहे हैं। पहला चैप्टर कहता है कि अगर आपका सेट अपर बाउंडेड है तो इसका मतलब उसका सुप्रीमम आएगा, अगर आपका सेट लोअर बाउंडेड है तो इसका मतलब उस सेट का इंफीमम आएगा। ये तो फिर सीधे सीधे थ्योरम से निकाल रहे हैं। पहला चैप्टर जिनका तैयार है उनको तुरंत विजुलाइज होगा ऐसा हो रहा, नहीं तैयार है तो फिर हाँ मुश्किल है, फिर तो हम क्या कोई नहीं सिखा सकता है। लिखना। सिमिलरली इसी प्रकार सिमिलरली सेट यूपीएफ कलेक्शन ऑफ ऑल यूपीएफ, जहां पर ये जो आपका पी पार्टीशन है वो बिलोंग करता है फैमिली ऑफ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल एबी से, ठीक, ऑफ अपर सम ऑफ अपर सम्स ऑफ अपर सम्स इज बाउंडेड बिलो इज बाउंडेड बिलो इज बाउंडेड बिलो बाई स्मॉल एम इंटू बी माइनस ए। वो स्मॉल एम इंटू बी माइनस ए के द्वारा कहता है लोअर बाउंडेड है या बाउंडेड बिलो है, और अगर कोई बाउंडेड बिलो है तो निश्चित तौर पर उसका क्या होगा? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मौजूद होगा। सो मस्ट है, इसलिए रखेगा ही रखेगा। सो मस्ट है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज अर्थात इनफीमम ऑफ यूपीएफ, इनफीमम ऑफ यूपीएफ जहां पी बिलोंग करता है फैमिली ऑफ पार्टीशन क्लोज इंटरवल एबी से, इनफीमम ऑफ यूपीएफ मस्ट एग्जिस्ट। यूपीएफ का इनफीमा भी क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। भैया अगर वो चैप्टर तैयार होगा सुप्रीमम इनफीमम तो कंफ्यूजन नहीं होगी, और ना अब यहां से तो कंफ्यूजन बनेगी। हालांकि हम एग्जाम्पल उठा लिए दिखाने पर के लिए, दिक्कत लगे तो बताओ और एग्जाम्पल उठाए। वैसे पहला चैप्टर याद करना ज्यादा अच्छा मेरे अंदर, याद है पहला चैप्टर याद है, याद अच्छा याद कर लो ना, ऐसे काम नहीं चलता। इस तरह लापरवाही कर रहे हो, इस तरह से काम नहीं चलता। रियल बहुत लिखाए हुए हैं, और रियल नहीं कोई भी पेपर उठाएंगे ऐसे ही लिखाएंगे, कम नहीं लिखाएंगे। एलपीपी चल रहा है देख चुके हो गए, उसमें भी कम नहीं लिखा रहे, बहुत लिखा रहे हैं हिसाब से, ठीक है, कोई केस नहीं छोड़ रहे कहीं पर भी, ना यहाँ का ना वहाँ का। इसके बावजूद अगर ना पढ़ पाओ तो डरना है तो किसी के लिए भी, मान करके चलो इतना डीपली, फिर अब ग्रेजुएशन में इतना डीपली रियल यहाँ यहाँ लोकल में अपने को कोई पढ़ाने वाला नहीं, लोकल में नहीं पढ़ाएगा, पढ़े पे भी नहीं पढ़ाएगा। अब इसके बाद भी अगर ना पढ़ पाओ तो मेरी गलती कहाँ हो सकती है, फिर तो तुम्हारी गलती होगी। चलो लाइन चेंज करके लिखा। अब इसके बाद दो चीजें मैंने कह दी, सुनो। पहला मैंने क्या कहा कि आपके जितने डरबॉक्स के लोअर सम आएंगे कितने पार्टीशन बनेंगे क्लोज इंटरवल एबी के, इनफाइनाइट, उन सभी के लिए जितने आपके लोअर सम आएंगे उन सब में आपको सुप्रीमम मेंबर जरूर मिलेगा। उस सुप्रीमम मेंबर जो आपको मिलेगा उसी को कहते हैं रीमान का लोअर इंटीग्रल। और जितने यूपीएफ है उसमें आपको कौन मिलेगा? उसमें आपको इनफीमम मेंबर मिलेगा सबसे छोटा, उसको क्या कहेंगे? डरबॉक्स का अपर इंटीग्रल कहेंगे। लिखना इसी बात को, सुप्रीमम ऑफ डरबॉक्स लोअर सम एलपीएफ, जहां पर पी बिलोंग करेगा पार्टीशन फैमिली ऑफ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, इज इक्वल टू इंटीग्रल ए लोअर कट टू बी फंक्शन एफ एक्स डी एक्स। इक्वेशन नंबर टू इस कार्ड, अब ये जो लिखे है ना इस कार्ड, इसको ब्लैक पेन से लिखना, इस कार्ड, और या तो डबल अंडरलाइन कर देना, इस कार्ड लोअर रीमान इंटीग्रल ऑफ फंक्शन एफ ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। बात बोलिए,
तुम लोगों को पूछो लिखवा दे रिमार्क में इक्वेशन नंबर 1 बहुत बड़ी इक्वालिटी है याद आया ये ऐसे ही पढ़ेंगे सब एक सीक्वेंस में जोड़ रहे हैं इनको इनइक्वालिटी 1 m into b minus a less than or equal to LPF less than or equal to UPF less than or equal to capital M into b minus a वो equation 1 है ये equation 2 और अब upper integral जो लिखेंगे वो equation 3 होगा और बाद में इसका use करेंगे किस पे एक नीचे डैश नहीं है वो कट बना दो बस बार ना बार ऊपर बनता है नीचे बना उसको कट पड़ दे ए लोअर कट डैश नहीं है डैश जानते हो कैसे बनता है कैसे बन चुका डैश कैसे बनता नीचे बनता है अब आइए इसका मतलब क्या है इसका लोअर कट यार पढ़ा तो कुछ जाएगा अपर कट क्या नहीं अरे पड़ी डंडी पढ़ो खड़ी डंडी पढ़ो जो मर्जी वो पढ़ो लेकिन मैं तो पढ़ो किस पे लोअर सम कैसे पहचानोगे कैसे पहचानोगे कौन लोअर सम है कौन अपर सम है ये लोअर सम से बना इसलिए नीचे कट लगाया वो यूपीएफ से बनेगा इसलिए अपर कट लगाएंगे ये कौन है ये लोअर बाउंड का सुप्रीमा है तो लोअर बाउंड का सुप्रीमा इसलिए लोअर लिमिट पर कट लगाया है वो अपर लिमिट का सुप्रीमा अपर पर कट लगाया है समझे आप कुछ देर में मेरे से पूछने लगे आपका नाम अनुभव ही क्यों कुछ और ही क्यों तब इसका मेरे पास कोई जवाब थोड़े अगला लिखना लाइन चेंज करके फिर इन्फीमम ऑफ यूपीएफ इन्फीमम ऑफ सेट यूपीएफ जहां पर पी बिलोंग करता है फैमिली ऑफ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी से इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी अपर कट फंक्शन एफ एक्स डी एक्स इक्वेशन नंबर कर दो इसको 3 इज कॉल्ड कहा जाता है इज कॉल्ड अपर रीमान इंटीग्रल अपर रीमान इंटीग्रल इज कॉल्ड अपर रीमान इंटीग्रल ऑफ आवर फंक्शन एफ ऑन क्लोज इंटरवल ए बी लिख करके घेरा मारा जिस दिन रीमान का लोअर और रीमान का अपर इंटीग्रल आपस में बराबर होगा उस दिन मेरा फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा अदरवाइज नहीं होगा इतनी बीमारी हो गई है मतलब हम कल एक लोग बता रहे थे डेंगू का अलग अलग वेरिएंट चल रहा है ना डेंगू का अलग अलग वेरिएंट आ गया है अब लोग बुखार किसी पता नहीं चल रहा हमको कौन सा डेंगू हुआ है तुम्हारे पास पटिया हाल है ठीक है आपको तुमको अच्छे से निकाल चुके ना जब तुम मच्छर आ रहे हैं ना वो नीचे पीले हैं ऊपर हरे हरे तुम अगर सही में अगर एक आध दिन में मेहनत करो मच्छर वच्छर मार करके उसको वेरीफाई करो तो देखो अजीब अजीब टाइप के मच्छर नजर आ रहे हैं मेरा मच्छर कल देख रहे थे ना पीछे उनको क्या हुआ डेंगू का ही एडमिट है कि घर पे अब प्लेटलेट्स का क्या हाल है कितना जा रही है 20 काफी कम है तो डॉक्टर क्या बोले कितने दिन में रिकवर होने का चांस है
पढ़ेगी तो उतने तेजी से बढ़ती है ना, जैसे जितने तेजी से डाउन आती है पढ़ती है तो उतनी तेजी से बढ़ जाती है। लेकिन यह है एक बार बुखार करते हो तो बड़ी तेजी से डाउन, जब एक बार बुखार करते हो तो एक बार तेजी से डाउन आती है, फिर बढ़ना चालू करते हो उसके बाद। बकरी वगैरह का पता नहीं क्या दूध, अरे कुछ नहीं सुनो सब ऐसे ना, और सब पपीते के पत्ते उत्ते पीस करके पिलाने वाने की बात है, लेकिन मेन बात है ना वो ऑथेंटिक तो तभी कह सकते हो उसको जब कायदे से उसका रिजल्ट, या तो सारी दवा बंद करके उस पर देखो तो ही उसका ऑथेंटिकेशन पता चलेगा भाई ऑथेंटिक है कि नहीं है, नहीं का मतलब रह जाता है। फिर तो आप दवा की जगह उसको ले रहे तो पता ही नहीं चलेगा दवा का फायदा है किसका फायदा। अगर एक से करेंगे तब तक तो आदमी ऊपर इस समय रियलिटी में इस समय डेंगू की जो कंडीशन है ना हर आदमी डरा पड़ा है। चलो अगला लिखो रीमान, रीमान लोवर, सुनो इधर इधर लाइन चेंज करके डबल स्टार बना करके लिखो रीमान, रीमान लोअर एंड अपर, रीमान लोअर एंड अपर इंटीग्रल, रीमान लोअर एंड अपर इंटीग्रल बोथ मे और मे नॉट, बोथ मे और मे नॉट, बोथ मे और मे नॉट बी इक्वल। ऐसा हो सकता है कि रीमान का अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल दोनों आपस में बराबर भी हो, और ऐसा हो सकता है कि दोनों आपस में बराबर ना हो। जिस दिन दोनों आपस में बराबर होगा उस दिन आपके फंक्शन का इंटीग्रल एग्जिस्ट कर जाएगा। फिर डबल स्टार करके लिखना, लिखो इफ, यदि ऐसा हुआ इफ रीमान लोअर इंटीग्रल ए लोअर कट टू बी फंक्शन एफ एक्स डीएक्स इज इक्वल टू रीमान अपर इंटीग्रल ए टू बी अपर कट फंक्शन एफ एक्स डीएक्स, देन जिस दिन रीमान का लोअर इंटीग्रल और रीमान का अपर इंटीग्रल दोनों आपस में बराबर हो गया उस दिन इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी फंक्शन एफ एक्स डी एक्स एग्जिस्ट, उस दिन ये इंटीग्रल आपका एग्जिस्ट करेगा एग्जिस्ट एंड, और इसके एग्जिस्ट करने के साथ ही साथ ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी इंटीग्रल ए लोअर कट टू बी फंक्शन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी अपर कट फंक्शन एफ एक्स डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू एक्चुअल इंटीग्रल ए टू बी फंक्शन एफ एक्स डी एक्स। अगर आपका रीमान का लोअर और रीमान का अपर इंटीग्रल बराबर हो गया तो आपके फंक्शन का इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा, और जो आपका ये रीमान का लोअर इंटीग्रल आ रहा है इसी की वैल्यू के बराबर होगा। मेरे को तीन चार दिन से लगातार बुखार बना हुआ है। हम कहीं जा वाले ही रहे हैं, हम क्या कहीं नहीं जाएंगे, जो होगा देखेंगे, पता चले जाओ झूठे कहते डेंगू है, चलो आदत वैसे मर जाओगे ना, बता दे डॉक्टर की एक हो गई ये बीमारी, साइकोलॉजिकल प्रेशर बड़ा तगड़ा होता है, तो पता चले हम और डाउन होना चालू करते हैं, अभी हम पढ़ा रहे ठीक है जाओ, बिल्कुल काले नहीं ना तुम्हारे सहारा लेंगे उस समय हम, चाहे मेरा लीजिए चाहे किसी और का लीजिए, आप समझ रहे हैं समझदार है, इसके बाद सुनो, अब वो जो इनइक्वालिटी थी पहली इनइक्वालिटी वो मॉडिफाइड हो चुकी है, इनइक्वालिटी सुनना ये बताओ, हम एक बार सारी बातें लिख रहे हैं ये मिटा दें, ये हो गया सबका। इनइक्वालिटी को जरा ध्यान से देखना, वो इनइक्वालिटी थी ये स्मॉल m इनटू b माइनस a लेस देन आर इक्वल टू डरबॉक्स का लोअर सम lpf, हाँ या ना, लेस देन आर इक्वल टू डरबॉक्स का अपर सम upf less than or equal to capital M into B minus A, क्या यही इक्वलिटी थी ना, ये बीच में नहीं था,
वो दो फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, अभी उसको भरते हैं। ये बताओ आपने जितने लोअर सम लिए उन लोअर सम का आपने क्या चुना? सुप्रीमा। यानी जो आपने सारे लोअर सम का सुप्रीमा चुना वो आपके लोअर सम के या तो बराबर बैठेगा या तो बड़ा होगा। तो इसका मतलब दिस क्वांटिटी इज लेस देन आर इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ऑल एलपीएफ। सही है गलत? जितने लोअर सम आपने लिए उनमें से सबसे बड़ा मेंबर पर्टिकुलर किसी लोअर सम से या तो बड़ा बैठेगा या तो बराबर बैठेगा, हाँ या ना? अच्छा, जितने आपने अपर सम इकट्ठे किए जितने उनका आपने क्या चुना? इनफीमम चुना। इसका मतलब वो आपके अपर सम से या तो छोटा होगा या तो बराबर। इनफीमम ऑफ यूपीएफ। सही कहा या गलत कहा? सही है। तो हम इसको मॉडिफाइड करके ये नहीं लिख सकते, हम इसको लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट स्मॉल एम इनटू बी माइनस ए लेस देन आर इक्वल टू एलपीएफ। और ये कौन है? ये होता है रीमान का लोअर इंटीग्रल। इट इज लेस देन आर इक्वल टू इंटीग्रल ए लोअर कट टू बी फंक्शन एफ एक्स डीएक्स एंड दिस इज लेस देन आर इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी अपर कट फंक्शन एफ एक्स डीएक्स एंड दिस इज लेस देन आर इक्वल टू यूपीएफ एंड यूपीएफ लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल एम इंटू बी माइनस ए। सही या गलत लिखा जा सकता है? मन कहे तो सीधे ये वाली इक्वल टू लिखो, मन कहे तो ये और ये दो तुम्हारे। ठीक, यहाँ लिख देना नाउ 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 करके उसके बाद ये सारी बात लिखना। समझ आया कैसे लिखे? सारे एलपीएफ का सुप्रीमम पर्टिकुलर किसी एलपीएफ से या तो बड़ा होगा या तो बराबर। सारे यूपीएफ का इंटीमम सारे यूपीएफ का इंटीमम पर्टिकुलर किसी यूपीएफ के बराबर होगा या तो उससे भी छोटा। नोट करो, जो आएगा इसे घेरे में बंद करके इसे इनइक्वालिटी नंबर चार मान लेना। तीन हो चुके थे ऑलरेडी, इसे घेरे में बंद करके इसको चार मान लेना जो अभी आएगा। ये चौथा हो गया। हो गया हो तो बताना। अभी लाइन के लिए पता है कई रिजल्ट को ना अलग अलग थ्योरम कराने की बजाय इस तरीके से करा देते हैं, वो ज्यादा आसान पड़ेगा, वो साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं क्रिएट होता। वरना ये भी थ्योरम है कुछ नहीं, सब ऐसे है। एक थ्योरम आती है प्रूव दैट रीमान लोअर इंटीग्रल लेस देन आर इक्वल टू रीमान अपर इंटीग्रल, यही तो है यहाँ प्रूव करके दिखाई दे रहे हैं। तो उसको अलग से लिखने की बजाय ऐसे ही साथ में अगला देखो। ये बताओ, सोच करके जवाब देना, अगर मेरा फंक्शन एफ रीमान इंटीग्रेबल हो गया, अगर मेरा फंक्शन एफ रीमान इंटीग्रेबल हो गया तो इसका मतलब लोअर सम और अपर सम दोनों आपस में, सॉरी लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल बराबर हो जाएंगे और ये बराबर हो जाएंगे एक्चुअल इंटीग्रल के, हाँ या ना? तो इन दोनों को हटा करके इसकी जगह पर इंटीग्रल ए टू बी फंक्शन एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि ये दोनों तो बराबर हो गए और ये बराबर हो गए इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स के, तो इनइक्वालिटी क्या बनी? एम इंटू बी माइनस ए लेस देन आर इक्वल टू एल पी एफ लेस देन आर इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लेस देन आर इक्वल टू यू पी एफ लेस देन आर इक्वल टू एम इंटू बी माइनस। क्लियर हुआ? अगली लाइन यही लिखने चलते हैं, लिखना स्टार बना करके इफ एफ इज रीमान इंटीग्रेबल, स्टार बना इफ यानी एफ इज रीमान इंटीग्रेबल, रीमान
इंटीग्रेबल इफ एफ इज रीमान इंटीग्रेबल देन अगर मेरा फंक्शन एफ रीमान इंटीग्रेबल है तो ऐसे में लोअर रीमान की लोअर रीमान इंटीग्रल ए लोअर कट टू बी फंक्शन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू अपर रीमान इंटीग्रल ए टू बी अपर कट फंक्शन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्चुअल इंटीग्रल ए टू बी फंक्शन एफ एक्स डी एक्स ठीक सो इनइक्वालिटी फोर बिकम्स सो इनइक्वालिटी फोर या बिकम्स या रिड्यूसेस टू सो इनइक्वालिटी फोर रिड्यूसेस टू इसलिए ये जो आपकी चौथी इनइक्वालिटी है ये रिड्यूस हो जाएगी अब सुनो ये दोनों हट जाएगा और इन दोनों की जगह पर हम रख देंगे केवल कितना दिस तो ये हो गया खत्म इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हो सामने लिखा गया है सामने मौजूद और इसे क्वेश्चन नंबर पांच मान लेना इंटीग्रल इज बेस्ड ऑन द नोशन ऑफ बाउंड्स ऑन द नोशन नोशन का मतलब विचार ऑन द नोशन ऑफ बाउंड ऑफ बाउंड्स एंड इज सब्जेक्ट ऑफ एंड इज सब्जेक्ट टू इज सब्जेक्ट टू टू कंडीशंस सब्जेक्ट टू टू कंडीशंस फैशन कहते हैं जो आपका रीमान इंटीग्रल है वो इस विचार पर आधारित है कि आपका जो फंक्शन है वो क्या है बाउंडेड है और ये दो कंडीशन को लेकर के चलता है पहला फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफाइंड होना चाहिए दूसरा फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी पर बाउंडेड होना चाहिए दोनों बातें हैं यहाँ पर लिखना पहला नंबर इसमें फर्स्ट पहले में लिखना एफ इज बाउंडेड ऑन द इंटरवल जो इंटरवल आपने चुना उस इंटरवल पर एफ बाउंडेड होना चाहिए एफ इज बाउंडेड ऑन द इंटरवल ऑन द इंटरवल ठीक एंड सेकेंड द इंटरवल इज क्लोज्ड द इंटरवल इज क्लोज्ड और आपका इंटरवल हर हाल में कैसा होना चाहिए क्लोज होना चाहिए ठीक दूसरा रिमार्क लगाना सेकेंड पता है अगर कोई फंक्शन आर इंटीग्रेबल है अगर कोई फंक्शन आर इंटीग्रेबल ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी तो ऐसे हर वो फंक्शन ध्यान से सुना ऐसा हर वो फंक्शन
जो क्लोज इंटरवल ए बी पर आर इंटीग्रेबल होगा उसको आर ए बी पर रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मैंने कहीं पर लिखा एफ बिलोंग टू द आर क्लोज इंटरवल ए बी, तो इसका मतलब पढ़ा जाएगा एफ इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन द क्लोज इंटरवल। क्लियर हुआ? लिखना इसको आर ए बी रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट आर ए बी रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ आल, फैमिली ऑफ आल, फैमिली ऑफ आल बाउंडेड फंक्शंस, फैमिली ऑफ आल बाउंडेड फंक्शंस, फैमिली ऑफ आल बाउंडेड फंक्शंस विच आर रीमान इंटीग्रेबल, विच आर, अच्छा पता है अब बार बार ना रीमान इंटीग्रेबल ना कहें, अब हम लोग आर इंटीग्रेबल कह सकते हैं। ठीक, रीमान इंटीग्रेबल को शॉर्ट में आर इंटीग्रेबल कहा जाता है, विच आर आर इंटीग्रेबल, आर इंटीग्रेबल मतलब जितने फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी पर रीमान इंटीग्रेबल हैं वो सारे एक जगह पर इकट्ठा कर लो और वो सेट क्या कहलाएगा, आर क्लोज इंटरवल ए बी, यानी इट इज द फैमिली ऑफ आर फंक्शंस विच आर रीमान इंटीग्रेबल ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। और वो सारे फंक्शन कैसे होंगे, बाउंडेड, क्योंकि रीमान की पूरी इंटीग्रेबिलिटी पढ़ी जा रही है तो केवल किस पर, बाउंडेड फंक्शन पर पढ़ी जा रही है। फिलहाल एक आखिरी रिमार्क करूंगा, बस इसी पर रोकेंगे इसको। तीसरा रिमार्क, अगर कोई फंक्शन को किसी ने रीमान इंटीग्रेबल कहा तो तय बात है वो फंक्शन तुरंत क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। लिखना एफ इज आर इंटीग्रेबल, एफ इज आर इंटीग्रेबल, एफ इज आर इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी डायरेक्टली इंप्लाइज दैट, अगर f को किसी ने r इंटीग्रेबल कहा क्लोज इंटरवल ए बी पर, तो ये सीधे सीधे इस बात का इशारा है कि f इज बाउंडेड, f इज बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, f क्लोज इंटरवल ए बी पर कैसा रहेगा, बाउंडेड रहेगा। ठीक, अगर कोई फंक्शन किसी इंटरवल में बाउंडेड है इसका मतलब वो अगले डोमेन में बाउंडेड होगा इसकी गारंटी नहीं है। इफ फंक्शन f इज बाउंडेड ऑन अ पर्टिकुलर डोमेन then it does not imply that function is bounded on every domain, नहीं, वो अपने natural domain में जा करके unbounded हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें f of x is equal to x square, ठीक है, तो जब तक तुम x का function का domain लोगे दो से लेकर के चार तक, तब तक तो bounded है, लेकिन जैसे ही x को belong कराओगे किससे, R से, real की दुनिया से, वो कैसा हो गया, unbounded हो गया। तो अगर कोई फंक्शन किसी एक डोमेन में बाउंडेड है तो कतई मतलब नहीं वो अपने हर डोमेन में बाउंडेड होगा, वो किसी अगले डोमेन में अनबाउंडेड भी हो सकता है। ठीक, इतने पर होंगे इसको, कौन सा